राम सभा में बैठ कर सबका मुजरा लेते। जैसी जिनकी भावना भई वैसाई फल देते। राम सभा में बैठ के सबका मुजरा लेत। जैसी है जिनकी भावना वैसा ही फल देत। ज्ञान की भावना है ना, ज्ञान को ज्ञान को उसको फल मिलतो रहे। और कहे संसार में छोटो बनिया बिना, न्यून करिया बिना, न्याय नीति की बात होने हम जब इन्हें कोई भी जीवों को बोलो यो भी गोनी है। आज दिन तक संसार में जगह मोटा हुआ है ना, मोटा बन रिया ना जगह का है, जगह स्कीम बहुत खराब रिया है। हमेशा संसार में छोटो बन रहना बहुत ही जरूरी है, निवन करना बहुत जरूरी है। कहे निवन बड़ी संसार में नहीं निवे सो नीचे, धारा से पर्वत कटेरे रे वे गूंधड़ा। निवे जो आमो आमली रे निवे जो दाड़ में धाके, किरण विचारो कई निवे भाई ओती उनकी साख। निवन बड़ी संसार में नहीं निवेशो नीच, धारा से पर्वत कटे रेवे गोंदला बीच। धारा इतनी खतरनाक वे जगह पर्वत वे जगह कट जावे, लेकिन गोंदला नाम करके एक रूकण हवे बीको की नहीं बिगड़े। क्यों बीके निवन करने की क्षमता रेवे। जर कह भाई ओछी बुद्धि का लोग इन जगह निवन कौन करे। निवेजु आमो आमली निवेजु दाड़म दाक, आमा आमली को फल फ्रूट लागे तरह नीचे न लुड़े। निवेजु आमो आमली निवेजु दाड़म दाक, ओ इरंड बिचारो कहीं निवे ओछी वे भी किसाक। ओ इंडिया जो कदे निवन कौन करे, क्यों का डाला ओछा वे तो ओछो आदमी कदे निवन कौन करे। क्यों का आतो गड़ो वे जो हमेशा जबड़ क्या करे है, और बरियोड़ो गड़ो वे जो जबड़ के भी को नहीं। क्यों आतो गड़ो यानी ओछो आदमी अगलो समान उपली जय में रखे है, और बिन बतला योड़ो तीन चार बार बोल जाए और बंक है मिशकोल भी ज्यादा है, वे बिजी भी ज्यादा रह गए बंक फोन ही बिजी रहे करें मिले ही को नहीं। आधा आदमी है ना जगह भेजा बिजी रहे है, इस बात को विचार कर जो। लेकिन निवण करिया बिना न्याय नीति की बात होने में क्यों ठोस आदमी बिना कहीं कहीं बात हुए। ज्यादा बंक है बिजी रहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है संगत में।
निवण करू मेरे दोत तरूपी, निवण करू मेरे दोत तरूपी। सतगुरु दीन दयाल की जय हो, जोगेश्वर भगवान की जय हो। आदुराई निवण पद मोटा, साध सती वाली क्रिया संता बिना निवण कुण क्रिया। आज दिन तक निवण करिया बिना न्याय नीति की बात होने आम जा मैंने कोई जीव को भलो नहीं हो। जद लिखे है पहलो निवण अपने मात पिता को उद्भुत पालन करिया, अरे घणो निवण इन धरती मात पर जरा उन पर पगला धरिया। आज किसी माँ बाप का बेटा बेटी अपने माँ बाप की बात को उल्लंघन करियो है, वे जिंदगी में एक दिन भी सुख को नहीं निकाल सके। और प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप कदे भी प्रैक्टिस कर देख लीजो। किसी माँ बाप का बेटा बेटी देखिए अज्ञा को उल्लंघन करियो है, जगह एक दिन भी सुख को नहीं निकाल सके।